ठीक है। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर देना, क्योंकि ये मोबाइल नंबर नहीं होगा उनका। ये दे दिया, और बाकी इनकी स्लिप भी वही रहेगी। अब आप कंट्रोल पी करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों की स्लिप आ रही है, साथ आ रही है, जबकि आपको क्या करना है, एक किसी की स्लिप देना है। तो आप क्या करेंगे फिर, अभी हमने पेज लेआउट टैब नहीं बताया, बता दिया नहीं बताया ना, तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है सेट प्रिंट एरिया के लिए। तो आप पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जितना एरिया का आपको प्रिंट लेना है, इतने एरिया का लेना है, इतना आपने सेलेक्ट किया। इसके बाद प्रिंट एरिया के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सेट प्रिंट एरिया। अब आप यहाँ से कंट्रोल पी करते हैं तो सिर्फ उतने ही एरिया का प्रिंट आएगा जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा। बाकी आपके फॉर्मेट सभी के तैयार हैं, देखिए बस प्रिंट देना आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एस कर देती है जिससे कि सेव हो जाएगा। कुछ और पूछना है, पूछ लीजिए पूछना हो तो। फॉन्ट साइज याद रखना, आप ये जो टेक्स्ट लिया है आपने, जो नाम वगैरह ये सब, आप कितना साइज रखेंगे, नॉर्मल जो 11 साइज होता है आपका वो रखेंगे आप। अगर आप बड़ा साइज कर देंगे ना, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पर चलते हैं, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा होगा, इतना किया हमने। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो फादर नेम आपको सही से नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, और यहाँ पे फीस स्लिप तो सही दिख रही है आपको। फिर आप यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया आपने, तो आप यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल पी से प्रिंट करते टाइम ये पूरा नहीं आएगा, प्रिंट पे नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल जो साइज रहता है 11 आप वही रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करना है आपको, कंट्रोल तो ऐसे ही अपना। फिर यहाँ पे आप टाइम और लिख देना, स्टार्ट डेट के साथ में टाइम भी रहता है ना आपका कि किस टाइम पे आप आएंगे, पर वो तो क्योंकि आप टाइम चेंज करते हैं जो कि सभी को पता है, तो वो तो फिक्स रहता नहीं है, पर लिखना है तो लिख सकते हैं। क्लोज कर दें।